हाय गाइस, वेलकम टू एरुमंत्रा। मेरा नाम इंद्र लक्ष्मी और आज हम सीखने जा रहे हैं अगली पोम जो हमारी फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसा कि गाइस मैंने पिछली पोएट्री में आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट यानी नेचर पोएट, जो नेचर के बारे में, नेचर की ब्यूटी के बारे में लिखते हैं। ओके, सो फायर एंड आइस, इफ यू सी द टाइटल इटसेल्फ, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये दोनों कितना कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी दोनों कितना विपरीत है एक दूसरे के। एक फायर, एक आइस, दोनों एक दूसरे को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, बट दोनों एक नेचर के एलिमेंट्स है, राइट? सो अब हम पहले पोएट्री रीड करते हैं और फिर हम निकालते हैं इसके दो मीनिंग। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पोएट्री की जो होती है दो मीनिंग्स होती है, एक होती है उसकी लिटरल मीनिंग यानी उसके शाब्दिक अर्थ, और दूसरा होता है उसका मेटाफोरिकल मीनिंग यानी उसमें डीप मीनिंग क्या है। ओके, सो पहले हम पोएट्री रीड कर लेते हैं। सो द पोएट्री गोज लाइक दिस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी न्यू वर्ड्स हमने देखने को मिल रहे हैं। पहला वर्ड है पेरिश, पेरिश यानी खत्म होना या डाई, ओके, टू डिक्रीज क्विकली या एक साथ खत्म हो जाना। सफाइस इज अ वर्ड जिसका आप मीनिंग थोड़ा गेस कर सकते हैं। सफाइस यानी टू बी सफिशियंट, ओके, सो सफाइस मीन्स सफिशियंट। फेवर का आप यहाँ देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में ये स्पेलिंग दी गई है और मैंने ये स्पेलिंग लिखा है। कई बच्चे कमेंट करेंगे, मैम रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है, मैम को स्पेलिंग नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। एक इसमें अमेरिकन स्पेलिंग है, एक ब्रिटिश स्पेलिंग है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें दोनों स्पेलिंग दिखेंगे, दोनों ही सही है, जैसे कलर और कलर, इनका दोनों का ओ यू आर या ओ आर दोनों लग सकता है। ओके, सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल क्या है। ठीक है, सिंबल से पहले मैं आपको इसका लिटरल मीनिंग बताती हूँ, यानी उसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं। सो हमको सबको पता है एक वक्त था जब अर्थ जो है नहीं था, दैट इज अर्थ था मतलब ह्यूमंस नहीं थे, आइस एज था जब पूरा बर्फ फैल चुका था और डायनासोर्स खत्म हो चुके थे। तो साइंटिस्ट दो थियोरी कहते हैं, एक वो कहते हैं कि या तो अर्थ का कोर जो है जिसमें लावा है वो इतना हीट अप हो जाएगा कि पूरा अर्थ जो है एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर। दूसरा साइंटिस्ट कहते हैं कि आइस एज दोबारा आएगा पूरा जो अर्थ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वट एवर वी आर डूइंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो है आइस वापस से पूरी जगह जम जाएगा और हम सब ठंडी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो अर्थ के खत्म होने के दो रीजंस है, एक या तो फायर या आइस। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है लिटरली इन दोनों के बीच में कंफ्यूज है कि अर्थ में अर्थ का जो है एंडिंग का रीजन क्या होगा। ओके, सो ही सेज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कोई कहता है कि वर्ल्ड जो है आग की वजह से एंड होगी, आग यानी द लावा, द कोर दैट वी हैव। सम से इट विल एंड इन आइस, कुछ कहते हैं आग से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से होगा, ठंडी की वजह से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज इन फेवर ऑफ हु फेवर फायर। अब यहां डिजायर की बात कहां से आ गई? अब डिजायर की बात तब आती है जब हम समझेंगे कि इसमें लिटरल नहीं, यहां पर डीप कोई मीनिंग छुपी है। यस, यहां पे जो फायर है वो फायर सिर्फ आग के बारे में नहीं है, ये जो फायर है ये फायर है इंसान के अंदर का फायर। ये फायर कौन सा है हमारे अंदर फायर? हमारे अंदर फायर है द फायर ऑफ एंगर, द फायर ऑफ डिजायर। आज के आप वर्ल्ड में देख सकते हो गाइस, विथ वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है एंड अभी भी कई सारी कंट्रीज है जिनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कंट्रीज छोड़ो, स्टेट्स के बीच में हो रही है, स्टेट्स छोड़ो रिलीजन के बीच में हो रही है, रिलीजन नहीं तो कम्युनिटी, आपस में हमारे आपके हम सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम की जड़ है एंगर। ये हमें 10th स्टैंडर्ड में इसलिए सब्सक्राइब करी है ताकि आप समझे कि इंसान के ऊपर इन दो चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, फायर और आइस का क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी एंगर, और आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, नफरत। ओके, सो एंगर से यानी फायर से अगर आप किसी चीज़ को फायर में डाल दो तो वो फट से खत्म हो जाएगी, राइट? सो एंगर कॉजेस रैपिड डिस्ट्रक्शन, एंगर से फायर से फटाफट डिस्ट्रक्शन हो जाता है।
आइस में अगर आप कुछ डालते हो तो वो धीरे 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 जम जम के मरता है, राइट? सो इट्स अ साइलेंट डैमेज. आइस इज साइलेंट डैमेज एंड फायर इज रैपिड डिस्ट्रक्शन. सो अब वापस इस स्टैंजा में आ जाते हैं. सो अब वो कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. डिजायर यानी मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म यानी आज हम लोग मटीरियलिस्टिक वैल्यूज ज्यादा रख रहे हैं, यानी चीजों के प्रति ज्यादा प्यार. हमें फोन से बहुत प्यार है, हम फोन्स का इतना इस्तेमाल करते हैं, ये जान करके भी कि बर्ड्स को नुकसान हो सकता है, बर्ड्स की बर्ड्स कई सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. वी ऑल डू दैट, वी हैव बीन देयर. प्लास्टिक्स का, और वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट इन एन नंबर ऑफ वेज, जो आप ऑलरेडी सोशल साइंस में पढ़ रहे हैं, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. सो क्योंकि डिजायर कम नहीं हो रही है, अभी फॉरेस्ट को कट करके मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो डिजायर्स की कमी नहीं है हमारे में. सो जितना रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि और याद रखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आई थिंक 19th या 18th सेंचुरी के पोएट है, आप चेक कर सकते हैं. तो ये उस टाइम के पोएट है और ये उस टाइम ऐसा हो रहा था, लेकिन आज भी यही चीज हम कंटिन्यू रख रहे हैं. सो इसलिए ये पोएट्री एक क्लासिक पोएट्री है, यानी क्लासिक पोएट्री यानी जो वक्त के साथ चलती रहे और हमेशा रिलेट कर सके. सो वो कहते हैं कि जैसा मैंने डिजायर देखा है लोगों की आंखों में और लोगों की लाइफ्स में, उस हिसाब से तो मैं पहले कहूंगा कि फायर ही हमें खत्म कर देगा, यानी हमारा एंगर, हमारा डिजायर ही हमारे वर्ल्ड को या हमें अपने आप को खत्म करने का कारण बनेगा. दूसरा फिर वो आगे बढ़ के कहते हैं, बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसे दोबारा डेथ होने का, खत्म होने का मौका मिला, यानी एक बार को चलो फायर से हम बच भी गए, हमने ग्लोबल वार्मिंग से कुछ ना कुछ इलाज निकाल भी लिया, ग्लोबल वार्मिंग यानी हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलाज निकाल भी लिया, तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, हम तो वापस वी आर ह्यूमंस, राइट? सो वी विल अगेन डिस्ट्रॉय नेचर. एंड फिर अगर दोबारा हमें मौका मिला नेचर को खत्म करने का, हमारे अर्थ को खत्म करने का दोबारा मौका मिला, तो पोएट कहते हैं, आई थिंक आई नो ऑफ हेट, आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी मुझे पता है लोगों के दिलों में कितनी नफरत होती है. या तो हम ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू खत्म कर देंगे या फिर हेट्रेड के थ्रू. हेट्रेड के थ्रू यानी वॉर, वॉर करके हम लोग अपने वर्ल्ड को फिर से खत्म कर सकते हैं, राइट? सो पोएट कहते हैं कि अगर दोबारा मौका मिला हम लोगों को अर्थ को खत्म करने का, तो हम लोग हेट्रेड के थ्रू करेंगे. एंड देन आई विल से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. सो पोएट कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस यानी नफरत यानी हेट्रेड भी तबाही मचाने के लिए काफी है. एंड वुड सफाइस, सफाइस यानी काफी है, इट इज इनफ, इट इज सफिशियंट. सो हमारे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए दो मेजर चीजें हैं, एक है डिजायर, डिजायर यानी किसी चीज की बहुत इच्छा, राइट? सो हमारा मटीरियलिस्टिक जो फर्वर है, जो हमारा मटीरियलिस्टिक क्रेज है, उसके वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करके अर्थ को खत्म कर सकते हैं, या तो फिर आइस से यानी हेट्रेड से, आपस में आप में हम तुम, ये जो हमारा नफरत है इसके वजह से वॉर में जाकर हम लोग वर्ल्ड को दोबारा एंड कर सकते हैं. अ वेरी सैड एंड अ वेरी मूविंग पोएट्री विच मेक्स अस लुक एट आर ओन सेल्स. हम अपने आप की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये जो कह रहा है ये गलत है. नहीं, ये तो हम कर रहे हैं, हम नहीं तो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं. तो ये पोएट्री हमें क्यों दी है, क्या हम कर रहे हैं? हमारे पास टूल है कि अब हम इससे बच सके, फायर और आइस से. आज की जनरेशन है हम इस फायर और आइस का मुकाबला करके अपने वर्ल्ड को बचा सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो बैक टू द मूड. द मूड ऑफ द पोएट्री इज अ वार्निंग मूड. तो पोएट हमें वार्न कर रहा है. और यहाँ पर थीम में हमने ये दो चीजें यहाँ पे सीखी है, वी शुड नॉट लेट आर इमोशंस कंट्रोल अस. ओके, सो एंगर और आइस, यहाँ पे वर्ल्ड ही नहीं, आप अपने आप को भी नफरत और गुस्से से खत्म कर सकते हैं, राइट? सो हमारे इमोशंस यानी हमारी मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो वस्तुओं के पीछे जो प्रेम है, वो अगर हमने कंट्रोल नहीं किया या हमारे नफरत को कंट्रोल नहीं किया, तो हम लोग अपने वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं. तो इसलिए पोएट कहता है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए. नेक्स्ट वो कहता है, इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल आर इमोशंस देन वी विल लीड टू आर डूम. डूम यानी कयामत, सब तबाह हो जाना. तो अगर हमने इन दो चीजों को, फायर और आइस को, कंट्रोल में नहीं रखा, तो हम हमारे डूम तक पहुंच जाएंगे, यानी हम हमारे वर्ल्ड को और अपने आप को, इंसानियत को खत्म कर देंगे.
ये इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम के लिए मैं अलग से वीडियो दिखा के आपको समझा दूंगी राइम कैसे पता करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये पोइट्री अच्छी लगी हो गाइस। इस पोइट्री की मीनिंग को समझो और ये मैसेज को प्रोपगेट करो, अपने दोस्तों तक फैलाओ। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।